मैं डॉक्टर जीएल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स का पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अमूर्त बीजगणित के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें जो टॉपिक है उसका नाम है ग्रुप, समूह। अब समूह के लिए पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक जो बातें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे जो पहला है, फर्स्ट है, वो यहाँ पर है द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। यानी बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया क्या होती है, इसके लिए माना एस कोई एरिक्ट समुच्चय है तथा स्टार एस क्रॉस एस से एस में एक प्रतिचित्रण है, एक मैपिंग है। तो स्टार समुच्चय एस में एक द्विआधारी संक्रिया कहलाता है यदि एस क्रॉस एस के दो अवयव ए कोमा बी आपस में ऑपरेट करते हैं तथा जो नया रिजल्ट आता है वो भी उसी समुच्चय एस का अवयव हो, अर्थात ए स्टार बी इक्वल टू एस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम जो एरिक्ट समुच्चय जो ले रहे हैं, जो नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं, उसके के लिए एक संकेत है ना, जैसे यहाँ पर स्टार है, इसको हमने द्विआधारी संक्रिया को इससे हमने डिनोट किया है। तो अगर जो एरिक समुच्चय जो एस है उसका कार्तीय गुणनफल एस क्रॉस एस हम लेते हैं, तो अगर उनके कोई से भी जो दो अवयव हैं अगर उसमें ये संक्रिया लगाते हैं तो इस एस का ही अवयव आ जाता है, तो उसको हम क्या है कि द्विआधारी संक्रिया हम कहते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जैसे मान लो इसके दो अवयव लिए एस के, एक अवयव ए लिया, दूसरा अवयव बी लिया, और इनके साथ में ये जो संक्रिया है ना स्टार लगाई, तो ए स्टार बी लगाने के बाद भी ये जो अवयव है वो किसका, इस एस का है ना आना चाहिए। जैसे इसको हम कह के एक एग्जाम्पल जो है ना उससे हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एन प्लस एक द्विआधारी संक्रिया है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, यानी जो एन जो समुच्चय है इसके जैसे हमने कोई से दो अवयव लिए, जैसे टू बिलोंग्स टू एन, थ्री बिलोंग्स टू एन, यानी दो और जो तीन हैं वो जो सेट एन है इसके अवयव हैं। अब इसमें हमने क्या कि यहाँ पर जो संग्रह से स्टार है ना उसकी जगह हमने यहाँ पर क्या कि प्लस लिया है, तो प्लस लेने के बाद में आप ये जो दो हैं वो जो तीन हैं इनके साथ में क्या है प्लस लगाओ, तो टू प्लस थ्री तो इक्वल टू कितना आ गया, फाइव। तो ये जो फाइव है वो भी इस एन का ही अवयव होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फाइव जो है वो भी क्या है, एन एन नेचुरल नंबर्स है। तो इस प्रकार ये जो प्लस की जो संक्रिया है ना वो इस एन के लिए क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। दूसरा जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर कि एन माइनस द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, लेकिन ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्यों? अगर मान लो यहाँ पर जैसे टू बिलोंग्स टू एन, थ्री बिलोंग्स टू एन, इम्प्लाइज अगर मान लो हमने टू माइनस थ्री लिया तो इक्वल टू कितना आया, माइनस वन। अब ये माइनस वन जो है वो इस एन का अवयव होना चाहिए, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो एन जो नेचुरल नंबर्स है उसमें केवल वन टू थ्री फोर फाइव है ना ये संख्याएं आती हैं, माइनस की संख्याएं नहीं आती हैं। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि माइनस वन जो है वो एन का अवयव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो माइनस जो है वो एन के लिए द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो इस
तो द्विआधारी संक्रिया के लिए हमें ये देखना है कि जो भी हम सेट ले रहे हैं उस सेट के, उस समुच्चय के आप दो अवयव लीजिए। अगर उन दो अवयवों में वो संक्रिया लगाइए, संक्रिया लगाने के बाद में अगर उसी समुच्चय का अवयव आता है तो हम कहेंगे कि ये जो संक्रिया है वो क्या है, द्विआधारी है, बाइनरी है, वरना ये कहेंगे कि ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, जैसा कि हम इन दोनों उदाहरण जो है ना उससे हमने देखा है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट है कर्मन्वय संक्रिया, कम्यूटेटिव ऑपरेशन। इसको समझने के लिए किसी समुच्चय एस में परिभाषित संक्रिया यानी वो स्टार कर्मन्वय संक्रिया कहलाती है यदि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस। यानी यहाँ पर जो समुच्चय जो एस है उसके हम क्या दो अवयव लेंगे, कोई से भी दो अवयव लेंगे, उन दोनों अवयवों के बीच में क्या है कि संक्रिया लगाएंगे। पहले हमने ए को पहले लिखा, बी को बाद में, फिर अगर हम बी को पहले लिखें ए को बाद में लिखें संक्रिया लगाएं, अगर वो इक्वल आ जाती हैं तो वो जो संक्रिया है वो कर्मन्वय संक्रिया कहलाती है। समुच्चय एन में योग और डॉट गुणन की संक्रियाएं क्या हैं, कर्मन्वय संक्रियाएं होती हैं, जबकि व्यकलन यानी माइनस की जो संक्रियाएं हैं वो ऐसी नहीं हैं। यानी जो समुच्चय जो एन है उसमें आप योग की संक्रिया लगाओ या गुणा की संक्रिया लगाओ तो वो तो क्या है, कर्मन्वय होंगी, और जैसे माइनस है या व्यकलन की जो संक्रिया वो कर्मन्वय नहीं होती है, क्योंकि किन्हीं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन के लिए ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, बी प्लस ए, तथा ए डॉट बी इक्वल टू क्या है, बी डॉट ए, ये होता है। परंतु जैसे ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए है ना, ये नहीं होता जब तक कि ए बराबर बी न हो। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तभी है, वरना हमने जैसे ऊपर भी आपको बताया था कि मान लो यहाँ पर जैसे हम जैसे मान लो ये करें, जैसे 2 माइनस 3 करें तो माइनस वन आएगा, या 3 माइनस 2 करें तो वन आएगा, तो ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि विकलन की जो संक्रिया है ना वो कर्मन्वय संक्रिया नहीं है। उसके बाद में साहचर्य संक्रिया, एसोसिएटिव ऑपरेशन। किसी समुच्चय एस में परिभाषित संक्रिया स्टार साहचर्य संक्रिया कहलाती है यदि ए स्टार बी स्टार सी को एक साथ इक्वल टू, फिर क्या है कि ए स्टार बी को एक साथ स्टार सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस। यानी जो साहचर्य जो संक्रिया है उसको बताने के लिए हमें जो सेट है उसके तीन अवयव लेने पड़ेंगे। तीन अवयव लेने के बाद में उन तीन अवयवों में से एक अवयव को हम फ्री करेंगे, दो अवयवों को एक साथ लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, शुरू के अंदर जो हमने ए को फ्री किया था बी स्टार सी को लिया था, अब हम क्या करते हैं इसमें ए स्टार बी को एक साथ लेंगे और सी को क्या करेंगे, फ्री करेंगे। तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं साहचर्य संक्रिया। उसके बाद में अब इसको क्या है कि इस एग्जाम्पल के लिए जैसे पूर्णांकों के समुच्चय जेड में जो इंटीजर्स होते हैं ना उसका जो सेट है उसके अंदर योग यानी प्लस की और डॉट यानी गुणा की संक्रियाएं साहचर्य संक्रियाएं हैं, लेकिन व्यकलन यानी वो सब्ट्रैक्शन यानी माइनस की जो संक्रिया वो ऐसी नहीं है, क्योंकि कोई से भी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड यानी जो जेड है जो पूर्णांकों का समुच्चय है उसके कोई से भी तीन अवयव लिए तो उसमें आप ए प्लस बी को एक साथ फिर प्लस सी किया इक्वल टू, उसके बाद फिर ए को फ्री कर दिया प्लस फिर बी प्लस सी को एक साथ लिखा, तो ये क्या है, इक्वल आएंगे यहाँ पर। तथा जैसे मान लो यहाँ पर क्या है कि ए डॉट बी
को एक साथ, डॉट सी को अलग, इक्वल टू फिर ए को अलग डॉट, फिर बी डॉट सी को एक साथ। तो इनके मान भी क्या हैं, इक्वल आएंगे हम, है ना, संख्या लेकर इनको समझ सकते हैं। परंतु जैसे ए माइनस बी है को एक साथ, फिर माइनस सी करो, और अगर फिर आप ए है फिर माइनस बी माइनस सी करें, तो ये क्या है, इक्वल नहीं आएंगे जब तक कि सी इक्वल टू जीरो न हो। तो इस प्रकार से कि जो साचर्य जो नियम है वो हमने इसको समझा है। उसके बाद में फिर है संक्रिया का तस्मक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एन ऑपरेशन। यहाँ पर वो एस कोई समुच्चय है, एस कोई सेट है, और स्टार है वो क्या है, उसमें द्विआधारी संक्रिया है। तो एस में जो स्टार है, इस संक्रिया के लिए एक अवयव ई इस प्रकार विद्यमान हो कि ई स्टार ए इक्वल टू ए आ जाए, या ए स्टार ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, तब यहाँ पर ये जो ई है वो संक्रिया का तस्मक अवयव कहलाता है। यानी कोई भी जैसे स्टार है, इसकी अगर हमें इसका तस्मक अवयव देखना है तो हमें क्या क्या करना है कि आप जो अवयव ले रहे हैं उस समुच्चय का, उसके साथ में एक ऐसा अवयव जिसे हमने ई लगाया, तो ई लगाने के बाद भी वो क्या अवयव खुद आ जाए, तो वो जो ई है वो उस संक्रिया का तस्मक अवयव कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए पूर्णांकों के समुच्चय जेड में जैसे जीरो है, ये योग संक्रिया के लिए, तथा जैसे वन है वो गुणन संक्रिया के लिए तस्मक अवयव है। क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पर जो जेड है ना, जैसे ए बिलोंग्स टू जेड के लिए, यानी इस जेड के कोई से भी अवयव है उसको हमें इन जनरल क्या ए कह दिया, वरना हम क्या कि इसे वन टू थ्री है, माइनस वन माइनस टू कर ये लेके हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्या इसका जनरल अवयव जो है ए ले लिया। ए है ना इनमें, जेड में कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर जीरो प्लस ए किया है तो यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, या आप ए प्लस जीरो करो तो भी क्या आएगा, ए आएगा। तो आप जेड के यहाँ पर कोई से भी अवयव आप रख दीजिए, अगर आप जीरो प्लस ए करते हैं तो हमेशा क्या है वो ए ही आएगा। तो यहाँ पर ये जो जीरो है वो योग संक्रिया के लिए जेड में क्या है, दसवां का अवयव है। इसी प्रकार से अगर मान लो हम वन लेके इसे वन डॉट ए करेंगे तो ए आएगा, चाहे ए डॉट वन करो तो भी ए आएगा। तो इस वन के साथ में कोई से भी जेड रखेंगे तो हमेशा वो अवयव ही यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे वन है वो गुणा संक्रिया जो है उसके लिए यहाँ पर क्या है, ये तस्मक अवयव है। इस प्रकार तो पुनः फिर जेड में जो व्यकलन संक्रिया है उसके लिए जीरो है ना, वो दक्षिण तस्मक अवयव तो है लेकिन वाम तस्मक अवयव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जेड के लिए, जैसे यहाँ पर क्या है कि ए माइनस जीरो इक्वल टू हमने क्या किया, ए आ गया। तो ये जीरो क्योंकि राइट हैंड साइड में है तो इसलिए हमने इसको हमने क्या कहा, दक्षिण तस्मक अवयव कहा है। लेकिन यहाँ पर जीरो माइनस ए करेंगे तो ये क्या है कि ए नहीं आएगा जब तक कि ए इक्वल टू जीरो न हो। इस प्रकार फिर संक्रिया का प्रतिलोम अवयव, इनवर्स एलिमेंट फॉर एन ऑपरेशन। तो संक्रिया के प्रतिलोम अवयव के लिए क्या क्या दिखाते हैं हम, कि जो संक्रिया जो है उस संक्रिया का जो अगर उस समुच्चय का कोई सा भी अवयव लें और अगर उसका इनवर्स लिखते हैं संक्रिया लगाने के बाद में, वो क्या उस संक्रिया का तस्मक अवयव आना चाहिए, तो वो अवयव उसका क्या कहलाएगा, प्रतिलोम अवयव कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने स्टार समुच्चय एस में एक संक्रिया है, ई इसका तस्मक अवयव है, तो एस में संक्रिया के लिए एक अवयव बी इस प्रकार हो कि बी स्टार ए इक्वल टू ई इक्वल टू ए स्टार बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, तब बी अवयव ए का प्रतिलोम अवयव कहलाता है। इसे बी इक्वल टू ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि मान लो यहाँ पर जैसे ए अवयव लिया है, ठीक है, और तो ए है, अगर मान लो बी इसका इनवर्स है तो बी स्टार ए लगाने पर इस संक्रिया का जो तस्मक है ना ई, वो आना चाहिए।
तब ये जो बी है वो इस एक का क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। जैसे पूर्णांकों के समूह जेड में योग संक्रिया के लिए प्रत्येक पूर्णांक ए के लिए माइनस ए बिलोंग्स टू जेड प्रतिलोम अवयव है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं क्योंकि जो पूर्णांकों का समुच्चय जेड है अगर उसका अवयव कोई सा भी आप लेते हैं, यहाँ पे पढ़ने क्या कि इन जनरल केस में मान लो ए ले लिया, तो इस ए के लिए वहाँ पर हमें माइनस ए है ना वो मिलता है, और प्लस अगर उनको करते हैं तो वहाँ की जो प्लस की जो संक्रिया है उसके लिए तत्सम अवयव क्या होता है, जीरो होता है। तो ये यहाँ पर आ रहा है, चाहे आप ए प्लस माइनस ए करें चाहे माइनस ए प्लस ए करें, तो जीरो जो है वो प्लस संक्रिया का यहाँ पर क्या है, तस्मक अवयव है। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्णांकों समुच्चय जेड में प्लस की जो संक्रिया है उसके लिए प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम उसमें विद्यमान है। तो इस प्रकार से हमने कुछ बेसिक जो ऑपरेशंस हैं, बाय द्विआधार संक्रिया क्या होती है, कर्मिन्मेय नियम क्या होता है, सहचर्य नियम क्या होता है, तस्मक अवयव क्या होता है, प्रतिलोम अवयव क्या होते हैं, ये हमने आज सीखे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ग्रुप के ही कुछ और परिभाषाएं लेंगे, जैसे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, लूप क्या होते हैं, मोनोइड क्या होते हैं, ग्रुप की कोटि क्या होती हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।